कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल तक हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह। उसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मजदूर एवं किसान आंदोलन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या, तो छत्तीसगढ़ में मजदूर एवं किसान आंदोलन। क्लियर है? तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, पहला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहां हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहां हुआ है। रायपुर में, राजनांदगांव में, दुर्ग में, कि रायगढ़ में। जल्दी से अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आंसर आपने, तो हमको पता है जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो मजदूर आंदोलन है वो कहां हुआ था या श्रमिक आंदोलन कहां पर हुआ था, तो राजनांदगांव में हुआ था। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मजदूर आंदोलन एवं छत्तीसगढ़, मजदूर आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो मजदूर आंदोलन है, ठीक है, ये कब कब हुआ, समय आप बताएंगे क्या, तो समय है एक तो 1920 में, दूसरा 1924 में और तीसरा 1937 में। ठीक है, कब कब हुआ मजदूर आंदोलन, तो 1920, 1924 एवं 1937 में क्या हुआ है आपका, तो मजदूर आंदोलन हुआ है। क्लियर है? इस मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इस मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, कौन थे मजदूर नेता के, मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी क्या थे, इस मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्थान पूछे आपको कहां हुआ था, तो ये जो मजदूर आंदोलन है ये हुआ था बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, राजनांदगांव में। ठीक है, कहां हुआ था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, राजनांदगांव में क्या हुआ था, तो ये तीनों मजदूर आंदोलन हुए थे। क्लियर है? इसमें इनके सहयोगी, किनके सहयोगी, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के मुख्य सहयोगी थे शंकर खरे एवं शिवलाल मास्टर। शंकर खरे एवं शिवलाल मास्टर जी क्या थे, इनके प्रमुख सहयोगी थे। ठीक, अब होता क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक डेट याद रखना आप, 23 जून 1892। इस 23 जून 1892 को कब, तो 23 जून 1892 को क्या होता है, तो मध्य प्रांत कॉटन मिल, मध्य प्रांत कॉटन मिल की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, कब, तो 23 जून 1892 को मध्य प्रांत कॉटन मिल की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, क्लियर है, कब हो रहा है, तो 23 जून 1892 को क्या हो रहा है, तो मध्य प्रांत कॉटन मिल की स्थापना होती है। साथ ही स्थापना के बाद 1894 में क्या होता है, इस मध्य प्रांत कॉटन मिल में उत्पादन प्रारंभ होता है। ठीक, क्या होता है, इस मध्य प्रांत कॉटन मिल में उत्पादन प्रारंभ होता है। ठीक है, क्या होता है, मध्य प्रांत कॉटन मिल में उत्पादन प्रारंभ होता है। समझ में आ गया,
ठीक है 23 जून 1892 को क्या हो रहा है, तो मध्य प्रांत कॉटन मिल की स्थापना, ठीक है मध्य प्रांत कॉटन मिल में 1894 में क्या हो रहा है, तो 1894 में यहां उत्पादन प्रारंभ हो रहा है, ठीक। और जब उत्पादन प्रारंभ हो रहा है तो जो राजनांदगांव रियासत के राजा है, राजनांदगांव के राजा कौन है, तो बलराम दास, ठीक है कौन, तो बलराम दास। राजनांदगांव रियासत के राजा कौन, तो राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास क्या रहते हैं, तो ये बलराम दास मिल संचालक बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है क्या रहते हैं, मिल संचालक बोर्ड के अध्यक्ष, मिल संचालक बोर्ड के क्या रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं, कौन रहते हैं, तो राजनांदगांव के राजा बलराम दास मिल संचालक बोर्ड के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। इसके उपरांत आप ध्यान रखना कि 1897 में क्या होने लगता है, तो ये जो मध्य प्रांत कॉटन मिल है, ठीक है कौन सा आपका, सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल, सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल या मध्य प्रांत कॉटन मिल का क्या होता है, आर्थिक स्थिति खराब, ठीक है क्या होती है इसकी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है मध्य प्रांत कॉटन मिल की, आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब हो गई, ठीक है कब, तो 1897 के अंतर्गत जो सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल है इसकी आर्थिक स्थिति क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। तब क्या किया जाता है, 1897 के अंतर्गत बंगाल के या कलकत्ता के शेल्विश कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी को खरीद लिया, ठीक है कलकत्ता के शेल्विश कंपनी ने मिल को क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। और जब मिल को खरीद लेते हैं कौन, कलकत्ता के शेल्विश कंपनी, तब इसके बाद 1897 में ये जो मध्य प्रांत कॉटन मिल है इसी का नाम फिर क्या होता है, तो इस मध्य प्रांत कॉटन मिल का नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल होता है, ठीक है क्या होता है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल इसका नाम पड़ता है, ठीक है। इस बंगाल नागपुर कॉटन मिल का या इस सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल का जो पूर्व नाम है, ठीक है जो पहले नाम था वो था इंप्रेस मिल, ठीक है क्या था, इंप्रेस मिल इसका क्या था, तो पूर्व नाम था, ठीक है किसका, बंगाल नागपुर कॉटन मिल का या सेंट्रल प्रोविंस कॉटन मिल का पूर्व नाम क्या था, इंप्रेस मिल था। क्लियर है, समझ में आ गया, राजनांदगांव में हुआ है पहला। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिक की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था। अब मैंने आपको बताया कि जो तीनों क्या हुए हैं, मजदूर आंदोलन हुए हैं, इन तीनों मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, सब जान ही रहे होंगे आप लोग। अब 1920 का जो मजदूर आंदोलन है यह क्यों हुआ था, ठीक है 1920 का जो मजदूर आंदोलन है वो क्यों हुआ था, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि 1920 के अंतर्गत जो प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ है, ठीक इसके प्रमुख नेता कौन, ठीक है क्या इसके, तो 1920 प्रथम मजदूर आंदोलन, प्रथम मजदूर आंदोलन, इस प्रथम मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, ठीक है कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। कहां हो रहा है ये, तो प्रथम जो मजदूर आंदोलन है ये बीएनसी मिल राजनांदगांव में हो रहा है, ठीक है कहां पर हो रहा है, बीएनसी मिल
राजनांदगांव में हो रहे। कारण क्या था? तो इस प्रथम मजदूर आंदोलन का कारण रहता है, ठीक क्या रहता है कारण इसका, तो प्रथम मजदूर आंदोलन का कारण रहता है कि मजदूर क्या कर रहे थे, मजदूर 8 घंटे के स्थान पर, 8 घंटे के स्थान पर 12 से 13 घंटे कार्य कर रहे थे, घंटे कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, परंतु उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा था। ठीक, इसलिए क्या होता है यहां पर मजदूरों के द्वारा आंदोलन होता है, ठीक है, क्या होता है यहां पर मजदूरों के द्वारा आंदोलन होता है, क्लियर है। जिस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। ठीक, ये जो आंदोलन है ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ, यह आंदोलन टोटल 36 दिनों तक चलता है, ठीक है, कितने दिनों तक चलता है, 36 दिनों तक चलता है, ठीक, कितने दिनों तक चलता है, 36 दिनों तक चलता है, और ये भारत में सबसे लंबी अवधि तक, ठीक है, कब तक, तो भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मजदूर आंदोलन था, ठीक है, क्या था, भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मजदूर आंदोलन था ये, ठीक है, क्या, तो भारत में सबसे, भारत की बात की जा रही है ना, ना कि छत्तीसगढ़ की, भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला क्या था, ये मजदूर आंदोलन था। परिणाम क्या हुआ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ यह प्रथम मजदूर आंदोलन क्या रहता है, सफल रहता है, ठीक है, मजदूरों की सारे मांगे स्वीकार कर ली जाती है मिल प्रशासन के द्वारा। लेकिन इसके बाद क्या होने लगते हैं कि जो मिल प्रशासन रहता है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह से ईर्ष्या करने लगता है, और उनका क्या कर दिया जाता है फिर, तो राजनांदगांव रियासत से उनका निष्कासन कर दिया जाता है। इस बात का जो शिकायत है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह कहां करते हैं, तो मध्य प्रांत के गवर्नर से करते हैं। फिर मध्य प्रांत के गवर्नर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का निष्कासन रद्द कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का निष्कासन रद्द कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मध्य प्रांत के गवर्नर के द्वारा। एक चीज आप यहीं पर नोट करके रखें कि इसी प्रथम मजदूर आंदोलन के समय में प्रसिद्ध मजदूर नेता वी गिरी, कौन, वी गिरी वेंकट वराह गिरी क्या थे, कर रहे थे, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, क्लियर है, किसने, 1920 में वी गिरी ने प्रथम मजदूर आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी, 36, 37, 40, 45, ठीक, तो अभी मैंने बताया कितने दिनों तक चला था, 36 दिनों तक चला था, कितने दिनों तक, 36 दिनों तक, लेकिन सीजीपीएससी इसका आंसर एक बार 37 दिन ले चुका है, ठीक है, कितने दिन ले चुका है, 37 दिन ले चुका है, अब आएगा तो क्या करेंगे सर, अब आएगा सर तो आप लगाएंगे 36 दिन, कितने दिन लगाएंगे, 36 दिन, सभी बुक में क्या दिया हुआ है, 36 दिन दिया हुआ है, बाकी फिर आयोग की इच्छा, आयोग जाने आयोग की माया, ठीक है, क्या, आयोग जाने आयोग की माया, वो चाहे तो फिर से 37 दिन भी ले सकता है, या वो क्या कर सकता है, 36 दिन आंसर लेगा, जो कि क्या है, एक्चुअल आंसर इसका है, क्लियर है। अगला, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था, ठीक है, जल्दी बताएं किस वर्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था, लगा लिया आंसर आपने, ठीक, इसका आंसर देने से पहले हम चलते हैं द्वितीय चरण के मजदूर आंदोलन में, ठीक है, हेडिंग डालना आप, द्वितीय मजदूर आंदोलन,
द्वितीय मजदूर आंदोलन, ठीक कब होता है तो 1924 में। क्यों होता है तो प्रथम मजदूर आंदोलन की सफलता उपरांत मजदूर वर्ग क्या रहते हैं, अति उत्साही रहते हैं। अब 1924 के अंतर्गत जो मजदूर संघ है, ठीक है, कौन मजदूर संघ, इन मजदूर संघ के द्वारा क्या किया जाता है, भोज कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, भोज कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस भोज कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा, ठीक है। अब मजदूरों ने मिल प्रशासन को भी क्या किया था, आमंत्रित किया था, तो मिल प्रशासन की ओर से, मिल प्रशासन की ओर से सिपाही गंगाधर राव ने, ठीक है, कौन सिपाही गंगाधर राव क्या होते हैं, इस भोज कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अब इस भोज कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो गंगाधर राव रहते हैं, ये बर्तन को क्या करते हैं, जूते से ठोकर मारते हैं, बर्तन को जूते से ठोकर मारते हैं, ठीक। अब चूंकि ये बर्तन को जब जूते से ठोकर मारते हैं तो मजदूर संघ का एक मजदूर, ठीक है, कौन, तो जो मजदूर संघ है इसका एक मजदूर क्या करता है, इस गंगाधर राव को थप्पड़ मार देता है, ठीक है, क्या कर देता है, इस गंगाधर राव को थप्पड़ मार देता है, कौन, तो मजदूर संघ का एक मजदूर इस गंगाधर राव को क्या कर देता है, थप्पड़ मार देता है, ठीक है। जिसके उपरांत क्या कर लिया जाता है, 13 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक, क्या किया जाता है, 13 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। अब 13 मजदूरों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इनका जो मुकदमा है वो दुर्ग कोर्ट में चलते रहता है, कहां चलता है, दुर्ग कोर्ट में। तो मजदूर संघ के जो अन्य मजदूर रहते हैं वो क्या करते हैं, तो दुर्ग कोर्ट को घेर कर इन 13 क्या करते हैं, इन 13 जो मजदूर रहते हैं इनको छुड़वा लेते हैं। 13 मजदूरों को जब छुड़वा दिया जाता है उसके बाद राजनांदगांव के अंतर्गत क्या होता है, तनाव की स्थिति बढ़ती जाती है, और जब राजनांदगांव के अंतर्गत तनाव की स्थिति बढ़ती रहती है तो पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है, जिसका वहां की जनता क्या करती है, विरोध करती है, और जब वहां की जनता विरोध करती है इसका, तो विरोध को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, तो पुलिस के द्वारा वहां पर गोली चलाई जाती है विरोध को शांत करवाने के लिए, और इस गोली के अंतर्गत एक मजदूर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और 12 लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 12 लोग घायल हो जाते हैं। जिसके उपरांत क्या किया जाता है, ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे उनको राजनांदगांव से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है 1924 में, और 1924 में उनको निष्कासित करने के उपरांत जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वो कहां चले जाते हैं, कुछ समय के लिए रायपुर, मैक्सिमम टाइम वो रायपुर में रहते हैं, और फिर जब तृतीय चरण का मजदूर आंदोलन शुरू होते रहता है उससे पहले वो कहां आ जाते हैं, तो राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत जो राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का विश्राम गृह है वहां पर आकर क्या करने लगते हैं, वो निवास करने लगते हैं, ठीक है, कहां पर, राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत जो राजनांदगांव का क्या है, तो रेलवे स्टेशन जो रहता है उस राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के कहां पर, तो विश्राम गृह में निवास करने लगते हैं। अब राजनांदगांव रियासत से तो निष्कासित है, तो विश्राम गृह में कैसे निवास कर रहे हैं, तो विश्राम गृह जो रहता है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का, वो जो विश्राम गृह है वो राजनांदगांव रियासत की सीमा से बाहर था, कहां था, तो राजनांदगांव रियासत की सीमा से बाहर था, क्या, उसका विश्राम गृह। इसलिए क्या करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह वहां पर आकर क्या करते हैं, तो निवास करते हैं। तो कब निष्कासित होना पड़ा था, तो 1924 में निष्कासित होना पड़ा था, किसको, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, ठीक है, आ गया। चलो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा तृतीय चरण के मजदूर आंदोलन पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक, क्या कर लेते हैं, तृतीय चरण के मजदूर आंदोलन पर क्या कर लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं, कर ले चर्चा करते हैं, ठीक, क्या हेडिंग डालेंगे आप, तो तृतीय मजदूर आंदोलन, ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, तो
तृतीय मजदूर आंदोलन। तृतीय मजदूर आंदोलन कब होता है? तो 1937 में। ठीक है, कब होता है? 1937 में। स्थान क्या? तो स्थान आप बताएंगे बीएनसी मिल। नेतृत्व क्या? तो प्रथम में बताएंगे आप क्या नेतृत्व के अंतर्गत जो प्रथम व्यक्ति वो कौन थे? तो रुईकर जी थे। और द्वितीय व्यक्ति जो थे वो थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ठीक है, तृतीय मजदूर आंदोलन का कारण क्या रहता है? तो इसका कारण रहता है मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती। मजदूरों के वेतन में दस प्रतिशत की कटौती। ठीक है, मजदूरों के वेतन में क्या करना? तो 10% की कटौती करना क्या रहता है? इसका प्रमुख कारण रहता है। अब समझौता करने के लिए कौन आता है? तो समझौता करने के लिए जैसे आपको पता है प्रथम कौन आ रहे हैं, तो प्रथम आते हैं रुईकर। ठीक है, कौन आते हैं? रुईकर। रुईकर क्या करते हैं? तो ये रुईकर क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं किससे? प्रशासन से समझौता। क्या समझौता करते हैं? इनके समझौते के तहत जो मजदूर हैं उनमें से 600 मजदूरों को क्या कर दिया गया? बेकार कर दिया गया। 600 मजदूरों को बेकार कर दिया गया। मतलब 600 मजदूरों को क्या कर दिया गया? रुईकर के समझौते के तहत 600 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 600 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। दूसरा, मजदूरों पर 4,00,000 का जुर्माना लगाया गया। मजदूरों पर 4,00,000 का जुर्माना ठीक है, यह समझौता क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। समझौता असफल। ठीक, क्या हो जाता है? समझौता असफल। ये जाते हैं प्रशासन से समझौता करने के लिए। समझौता करते हैं तो प्रशासन बोलता है इनको कि ठीक है, हम मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती बंद कर देंगे, लेकिन हम 600 मजदूरों को क्या करेंगे? काम से निकाल देंगे। और साथ ही इतने दिन तक जो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, मिल प्रशासन को जो नुकसान हुआ, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? 4,00,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ये मान के आ गए रुईकर। क्या करते हैं? आकर बताते हैं ऐसा सब बात है, तो ये मजदूर लोग मानने से मना कर देते। फिर इन लोग कहां पहुंचते हैं? तो इन लोग पहुंचते हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह के पास। अब ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी क्या रहते हैं? तो निष्कासित रहते हैं। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी क्या करते हैं? तो ये पहले परमिशन लेते हैं राजनांदगांव के प्रशासन से, और उसके बाद राजनांदगांव में कदम रखते हैं। और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? पुनः समझौता किए। पुनः समझौता। और इस समझौते के तहत जो मजदूर हैं, इन मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती रद्द हुई। 10% की कटौती रद्द हुई। ठीक, 600 मजदूरों को पुनः बहाल किया गया। 600 मजदूरों को पुनः बहाल किया गया, मतलब फिर से काम में वापस रखा गया उनको। और 4,00,000 का जुर्माना भी वापस लिया गया। ठीक है, इस तरह
ये समझौता क्या होता है? सफल होता है। ये समझौता सफल हुआ, ठीक है, तृतीय चरण के मजदूर आंदोलन में। क्लियर है, समझ में आ गया तीनों मजदूर आंदोलन आपको? ठीक है, तीनों को एक साथ एक टेबल में चार्ट बनाकर बढ़िया लिखिएगा कि तीनों के क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ, ठीक है, तीनों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। ठीक है, तीनों मजदूर के अंतर्गत प्रमुख आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख घटनाएं क्या थी, ठीक है, उसको वहां पर लिख लीजिएगा, और परिणाम क्या हुआ इसको आप एक चार्ट बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला, किसानों से ली जाने वाली बेगारी प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, नत्थू जी जगताप ने, सेवता ठाकुर ने, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने? किसने सर्वप्रथम आवाज उठाई थी? जल्दी अपना आंसर दें। ठीक, किसने आवाज उठाई थी? तो किसानों से ली जाने वाली बेगारी प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे पहले सेवता ठाकुर ने आवाज उठाई थी। ठीक है, किसने? सेवता ठाकुर ने सन 1879 में। ठीक है, कब? 1879 में सबसे पहले आवाज उठाई किसने? सेवता ठाकुर ने। सेवता ठाकुर कहां पर बेगार प्रथा के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाया गया? तो राजनांद गांव में। ठीक है, कहां पर? राजनांद गांव में। ठीक, इस समय राजनांद गांव रियासत के राजा महंत घासीदास जी थे। ठीक है, कहां, कौन थे? तो महंत घासीदास जी क्या थे? तो महंत घासीदास जी इस समय क्या थे? तो महंत घासीदास जी इस समय राजनांदगांव रियासत के क्या थे? राजा थे। ठीक है, इस समय क्या किया जाता था? किसानों से काम किया जाता था, किसानों के द्वारा जो चीजें उत्पादित की जा रही है उन चीजों के बदले क्या नहीं दिया जाता था? किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता था, जिसके विरोध में सेवता ठाकुर ने क्या किया था 1879 के अंतर्गत राजनांदगांव में एक क्या किया था, आवाज उठाई थी, एक विद्रोह किया था, लेकिन इसका परिणाम असफल रहा था। ठीक है, क्या रहा था? इसका परिणाम असफल रहा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? डोंडी लोहारा जमींदारी में किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? ठीक है, 1920 में, 25 में, 37 में, 42 में, कब किसान आंदोलन हुआ था? जल्दी अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, किस वर्ष हुआ था डोंडी लोहारा में डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन? तो यह हुआ था आपका 1937 में। ठीक है, कब हुआ था? 1937 में। कहां? तो स्थान डोंडी लोहारा बालोद। ठीक है, स्थान क्या? तो डोंडी लोहारा बालोद के अंतर्गत क्या हुआ? तो किसान आंदोलन हुआ। इसमें प्रमुख नेता कौन? तो इसमें प्रमुख नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा जी। ठीक है, कौन थे? रत्नाकर झा जी क्या थे? इसमें प्रमुख नेता थे। कारण क्या था इसका? तो इसका कारण था डोंडी लोहारा के जमींदार मनी राम। ठीक है, कौन? तो डोंडी लोहारा के जमींदार कौन? जमींदार मनी राम पांडे जी के द्वारा क्या करना? कर बढ़ाना। ठीक है, मनी राम, जमींदार मनी राम पांडे। ठीक है, कौन? जमींदार मनी राम पांडे द्वारा कर बढ़ाना, कर बढ़ाना, जमींदार मनी राम पांडे द्वारा कर बढ़ाना एवं अन्यायपूर्ण नीति अपनाना, एवं अन्यायपूर्ण नीति अपनाना। नीति अपनाना जिसके कारण क्या किया गया था? तो इसी के कारण तो यह क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा और जमींदार मनी पांडे के द्वारा क्या किया जा रहा था? कर बढ़ाया गया था, जिसके विरोध में क्या किया गया था? ये आंदोलन हुआ था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या आपका? 1937। ठीक, क्या? 1937।
छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन किस रियासत में जारी था? जल्दी अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, तो इसका आंसर है आपका शक्ति। ठीक है, क्या है? शक्ति। और इसके नेतृत्व करता रहते हैं, इस आंदोलन के नेतृत्व करता रहते हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी क्या रहते हैं, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहते हैं। क्लियर। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाएं। कंडेल नहर सत्याग्रह, दौंडी लोहारा किसान आंदोलन, कुसुम कसा में विराट सभा, सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत। इसको क्या करना है आपको, प्रारंभ से अंत तक सजाना है। जल्दी बताएं आप। लगा लिया आंसर आपने, तो देखिए हमको पता है, हमने पढ़ा है कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था, 1920 में। अभी हमने डोंडी लोहारा किसान आंदोलन देखा, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1937 में। कब हुआ, 1937 में। कुसुम कसा में विराट किसान सभा, ये हुआ था 5 मई 1939 को। और सेवता ठाकुर का जो बगावत था वो कब हुआ था, 1879 में। क्रम से जमाना है तो 1879 पहला हो गया, तो कहां पर दिख रहा है चौथा आपको, बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा। कुसुम कसा के अंतर्गत जो विराट किसान सभा है, ठीक है, क्या आपका, कुसुम कसा के अंतर्गत विराट किसान सभा, ठीक है, ये क्यों होता है, तो 28 अगस्त 1939 को एक आम सभा आयोजित की जाती है, जिसमें सरयू प्रसाद अग्रवाल के द्वारा क्या किया जाता है, 9 दिन का उपवास रखा जाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख योगदान बली मोहम्मद जी ने दिया था। ठीक है, और यहीं पर क्या किया जाता है, फिर 5 मई 1939 को जो आम कौन क्या पर रहे थे, ये डोंडी लोहारा किसान आंदोलन पर रहे थे, इसी के समर्थन में 5 मई 1939 को एक क्या किया जाता है, विराट किसान सभा का आयोजन, एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया जाता है। और इस विशाल किसान सभा के आयोजन में 94 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। ठीक है, कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, 94 लोगों की गिरफ्तारी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया, कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, 94 लोगों की गिरफ्तारी होती है। समझ में आ गया। इस तरह हमारा मजदूर एवं किसान आंदोलन समाप्त हुआ। आगे कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कौन सा वीडियो, तो कल का जो हमारा वीडियो है वो पत्रकारिता, हमारा छूट गया था जब हम इतिहास में थे, तो उस पत्रकारिता के संबंध में एक वीडियो आपके लिए मैं कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।